आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। हरियाणा में ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अदानी पे क्या कार्रवाई की? हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। इस साल हुए लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर अपना संदेश साफ कर दिया था। कांग्रेस को भी विश्वास था कि इस बार हरियाणा में उसकी सरकार बनना तय है, लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम ने चुनाव से पहले की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों से भी ज़्यादा सीट जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मानो राज्य की जिन समस्याओं, चुनौतियों और मुद्दों पर बात हो रही थी उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं था। राजनीतिक उठापटक का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों का भी कहना था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आराम से बन जाएगी, वहीं बीजेपी कुछ हद तक सीटें जीतने में सफल रहेगी, लेकिन हकीकत ने सभी की जुबानों पर ताला लगा दिया है। इस वीडियो में हम खास तौर से बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने सौगात के तौर पर सरकार के पलड़े को बीजेपी की झोली में डाल दिया और बीजेपी ने किस तरीके की खास रणनीति को अपनाकर चुनाव की पूरी दिशा और हकीकत को ही बदल कर रख दिया। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ मैं समझता हूँ देश की राजनीति कोई राजनीतिक चिंतन जो होता है उसकी शुरुआत हरियाणा में हमेशा होती है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए केंद्र यानी CSDS ने एक सर्वे जारी किया है। सर्वे के मुताबिक ब्राह्मण, यादव, OBC और दलित वोटर्स ने बीजेपी को जमकर वोट दिए, वहीं जाट, जाटव और मुस्लिम ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कुल जाट वोटों में से 28% जाट ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 53% ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। वहीं 19% ने अन्य दलों के पक्ष में वोट किया, यानी कांग्रेस जाटों में ही पूरी तरह से विश्वास नहीं बना पाई। वहीं 51% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 31% ने कांग्रेस को वोट दिया। 16% ब्राह्मण मतदाताओं ने निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों को वोट दिया। 2% ब्राह्मण वोट ऐसे भी थे जिन्होंने BSP और INLD के गठबंधन को वोट दिया। चुनाव प्रचार में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दूर रखा गया, जबकि खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय में काफ़ी चर्चित माने जाते हैं। खट्टर की गैर मौजूदगी से भी पंजाबी खत्री के वोटों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस समुदाय के कुल मतदाताओं में से 68% मतदाताओं ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताए रखा, वहीं 18% ने कांग्रेस को वोट किया। 14% का वोट अन्य के खाते में गया। अन्य ऊंची जाति की बात करें तो अन्य ऊंची जाति के मतदाताओं में 59% ने बीजेपी को और 22% ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 19% ने अन्य दलों को अपना समर्थन दिया। यह आंकड़े सच में कांग्रेस की हवा से बिल्कुल अलग हैं। 44% गुर्जर जाति ने कांग्रेस को वोट दिया तो 37% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 19% ने अन्य दलों का समर्थन किया यानी कि उनको वोट दिया। यादव वोटर्स में 62% ने बीजेपी को और 25% ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 13% ने अन्य को वोट दिया। अब बात करते हैं OBC वर्ग की। OBC में 47% ने बीजेपी को तो 32% ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि 21% ने अन्य दलों पर विश्वास जताया। जाटव समुदाय के 35% वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। OBC का वोट बीजेपी के खाते में जाने का मुख्य कारण है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नायाब सिंह सैनी को दोबारा चुना। नायाब OBC वर्ग से आते हैं।
सर्वे में नायाब सिंह सैनी को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना में ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया था। राजनीति का विश्लेषण करने वाले योगेंद्र यादव का कहना था कि वे ग्राउंड पर घूमे, उनके साथी ग्राउंड पर थे, ग्राउंड पर साधारण लोगों से बात की गई थी, उसी आधार पर यह सामने आया था कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जितने रिपोर्टर्स, एंकर्स और चैनल थे सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। बीजेपी को बहुमत की बात कोई नहीं कह रहा था। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत का दावा किया गया था, लेकिन रिजल्ट ने उनको भी हैरान कर दिया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम रहा है। यह चुनाव एक T20 मैच की तरह था जो आखिरी गेंद तक खेला गया और अंत में जीत भाजपा को मिली। अब तीन सवाल पर मंथन करना चाहिए। पहला, कि इस चुनाव को इतना आसान चुनाव क्यों माना गया रिजल्ट के आधार पर। दूसरा, यह इतनी टाइट फाइट वाला संघर्ष कैसे बन गया जबकि माहौल तो बीजेपी के खिलाफ बताया गया है। और अंत में तीसरा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस कैसे हार गई। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह देखने को मिली। दलित के बीच से उभरी बड़ी नेता कुमारी सैलजा और हरियाणा में चुनाव की कमान संभाल रहे भूपेंद्र हुड्डा के बीच मतभेदों को सार्वजनिक तौर पर देखा गया। माना जा रहा था कि इससे दलितों के वोट कांग्रेस की तरफ कम हुए। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की मुख्य शिकायत यह थी कि चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों को परिस्थितियों के अनुसार नहीं उतारा गया बल्कि नेताओं के बने खेमों के आधार पर उतारा गया। कुमारी सैलजा इतनी नाराज दिखी कि उन्होंने अंतिम महीने के लगभग आधे दिनों तक कोई प्रचार ही नहीं किया था, वो किसी प्रचार में शामिल ही नहीं हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद सैलजा ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना शुरू किया था, लेकिन जब तक बीजेपी दलित वोटरों को पार्टी के पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। हारी बाजी जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि रणनीति में वह अभी भी सबसे आगे है, जबकि कुछ लोग आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए हैं। इस चुनाव में निर्दलीय लड़े उम्मीदवार भी कम ताकतवर नहीं थे। जिन लोगों को पार्टी से टिकट नहीं मिला उन्होंने निर्दलीय लड़ जीत हासिल की। इनमें पूर्व राज्य मंत्री सावित्री जिंदल सहित कई नाम शामिल हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन दबाकर स्वतंत्र आवाज को समर्थन नहीं दिया है तो अब दे दें। नमस्कार।